चिट्ठी टेबल है। ओवे। अरे चिट्ठी है आज आपको। ओवे। चलो खा लो, ये पापा की, पापा की विश पूरी होती है। चिट्ठियाँ हाँ ये लो बनाओ जरा व्लॉग। असम को वन कमेंट, असम को वन कमेंट, से हाय एवरीवन, हाय सैमी, हाय, डू वी हैव स्टार्टेड अ फाइट देयर? मेरा ट्रेन कर दिया इसको। असम को वन कमेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। वीडियो नहीं आ रही। अच्छा ऐसे ऐसे रखते अब आ रहे वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अहद 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 पर स्ट्रॉ तोड़ दिया। चलो व्लॉग स्टार्ट करो जल्दी से। इधर इधर ये है Wow, pillows! Huh? What is it? Leo? Shark! Leo! No, it's a baby shark. No, it's a baby shark. Yes, shark! Leo! Shark! Who's that? It's a whale! Whale nahi hai, ye shark hai. Bata kya hai ye? मुझे तो शार्क लग रही है, आपको वेल लग रही है? बेबी शार्क। यस इट्स अ बेबी शार्क। और एंड व्हाट इज इट, व्हाट इज इट? कार। कार। चलो आपका बिस्तर बिछाएं जल्दी से। अम्मी ने दिया हाय करो पहले सबसे। हेलो एवरीवन, पहले हाय करो। ओके ओके नहीं पहले ये नहीं पीनी, ये नहीं, ये नहीं पीनी आपको। ये आपका जूस है ना? वाह स्लीप करके दिखाओ इनके ऊपर, स्लीप करो ऊपर लेटो। इधर स्लीप करना है। वाह रखो चलो स्लीप स्लीप। वाह ओहो पजामा सारा गीला हो गया। चलो पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शुक्र अल्लाह का। यहाँ पे हम लोग ने लंच कर लिया, शलजम और चिकन का सालन था, साथ रात को मैंने आलू और चिकन का सालन बनाया था। ठीक है अभी हो गए हैं 4:30। आहर को खाना खिलाया, अब्दुल्ला को खाना खिलाया, मैंने खाना खाया। अब 4:30 हो गया तो ट्यूशन छोड़ने जाऊंगी और वहां से आके ये अपने कमरे के समेटा समेटी करूंगी। ठीक है तो ट्यूशन पे चलते हैं, आहत को छोड़ते हैं, ये उसका बैग पैक करते हैं, ये उसकी पानी की बोतल भी बाहर ही पड़ी है तो उसका बैग पैक करते हैं और ट्यूशन चलते हैं। लेकिन ट्यूशन जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्यारा सा एक कमेंट कर दें। तो चलिए लेट्स गो। चले जी मैं आहत को ट्यूशन से छोड़ भी आई थी और ट्यूशन से ले भी आई हूँ वापिस, क्योंकि जब हम जाते हैं तो हमें 10-12 मिनट वहां बैठना भी पड़ जाता है तो ये कभी कभी बहुत एंग्री मूड में होता है। आज तो ऐसे खुश खुश था तो टीचर ने इसकी वीडियो वीडियो तो बना के भेजती जाती है मुझे कि आज ये रो रहा है ये सब। बहरहाल हम आगे से अब इसको वापस में नहीं आया, इतने शॉर्ट टाइम के लिए तो जाता है, जैसे छोड़ के आओ जैसे लेने चले जाओ। आके मैंने अपनी नमाज शमाज पढ़ी और अपने काम शाम थोड़े बहुत खत्म किए, कमरा में सफेद नहीं कर सकी। ये देखो आहत से हाय एवरीवन, से हाय हाय। और इसको कोई आज की ट्यूशन में मजा आया इसलिए ये इतना खुश खुश खेल रहा है। ये वहां पे भी जरा आज खेल खुल के आया है, पढ़ के आया थोड़ा बहुत।
पढ़ के क्या आना है, इसने लिखा बैठा ही है थोड़ी देर वहां पे बच्चों के साथ, थोड़ा आज जो है ना जिसे इंट्रैक्शन कहते हैं ना वो उसने किया है। ठीक है, अब मैं जरा ये जो है ना ये चीजें पहने ना आहट की, जैसे कि मौसम बदलते हैं, आज के टाइम अक्सर ठंड हो जाती है और अभी आगे भी ठंड होगी, तो मेरे पास आहट के लिए कोई बिस्तर नहीं था ऊपर लेने का। अब ये सूखा भी पहुंचने अलग है, तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक रजाई बनवाई जाए, तो वो जो है वो मैंने अपनी मम्मी को कहा, मेरी अम्मी को कहा, मेरी खाला भी वहां आई हुई थी, उन लोगों ने मिलके फिर ये आहट की डिजाइन बनवा दी। वाओ, व्हाट इज इट आहट? सी एनिमल्स। वाओ, दिस इज सी एनिमल, सी एनिमल टॉय। ये ऊपर लेना है, ऊपर आपने ऊपर लेना है, ऊपर ऊपर ऊपर। अच्छा, इसके साथ मैंने दो चादरें ली थी, देखिए ये मैंने इसके पॉट की शीट्स भी बनवा दी। ठीक है, ये देखिए, क्योंकि बड़ा अच्छा हो गया था, इसके कॉट के लिए शीट्स भी बनाई थी, उसके साथ ये तकिया बना दिया, पिलो, और एक ये पिलो, हेलो, और ये शार्क के साथ की भी एक ये चादर बन गई और पिलो बन गया। बेटा बेटा ना 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 ना, ठीक है, तो दो ये कवर बने हैं, एक ये पिलो बना। डिजाइन मैंने सिर्फ पॉलिएस्टर की बनाई है, क्योंकि रुई की डिजाइन भारी भी हो जाती है और पूरा फिर हर साल बनवानी भी पड़ जाती है। मौसम तो अब इतना सर्दी है क्यों तो आती नहीं है, एक या दो महीने सर्दी ज्यादा पड़ती है। मैंने कहा चलो अगर सुन लगेगी तो डबल करेंगे। आह नो, दो मुझे गिव मी, अच्छा बाजार से बड़ी बनाए भी मिल जाती हैं, लेकिन एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, दूसरी वो बहुत साइज की छोटी होती है, मुझे थोड़ी बड़ी चाहिए थी ताकि मुझे तकरीबन नीचे नहीं फेंको फेंको बेटा, नहीं है गंदी हो जाएंगी सारी, बुरी बात है। तो वो थोड़ी सी ना, अब मैं चाह रही थी कि ये 2-3 साल तो लेना, जरा बड़ा हो रहा है कद में, तो इसलिए तो ठीक है। अब इसपे इसका बिस्तर बिछाते हैं और ये वाली चादर को करते हैं फारिक, फारिक नहीं मतलब इसको धो धो के डालेंगे। ठीक है, तो इस पे डालते हैं ये वाले कवर, इसका कवर रह गया है, वो भी अम्मी सी के देंगी, तो फिर वो इस पे चढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जो दो किलो आ गए हैं वो था, इस पे चढ़ाते हैं और इसको नया करते हैं। ये देखें जरा, इतना प्यारा लग रहा है ना, ये साफ सुथरा बच्चे का बिस्तर, ये देखें, आधे देखो इस पे स्लीप करके दिखा, वाओ, यस स्लीप, सो के दिखा, स्लीप, वाओ नाइस, हैप्पी स्लीप, डंकी भी स्लीप, वाओ। आप इस पिलो पे सोए, अब आप भी सोई, इस सोई, यू सो, यू स्लीप, ओके मम्मी। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder. Oh, there is Brian. ऐसे नीचे नहीं फेंकते, इसको इधर अंदर सोने दो, इनको इधर। I was Brian. Havis भी crying और donkey भी crying. इधर आने बस, मार पड़ेगी, अब फ्री हो गयो। I was mommy. Later इधर. Look at him. दुद्दू किधर है आपका? ये रहो, लेट के दूध पियो, इधर लेट के दूध पियो, लेटो लेटो, लेट के दूध पियो। वाओ, माय बेबी इज लुकिंग सो क्यूट। यस मम्मी, यस यू आर लुकिंग सो क्यूट। वेट मम्मी, थैंक यू बेटा। मम्मी, यू आर वेलकम बेटा। और अब ये रजाई भी नाप ही लेते हैं एक दफा। ठीक है, ये भी एक चादर ये थी, ये सेट इसके साथ का पूरा। ठीक है, और
रजाई जरा मैंने बड़ी बनवाई है, इसलिए जो है वो कपड़ा जो है वो तकियों का कम बचा है उसमें, वो एक बेबी शार्क वाला पिलो ही बना है। पर ठीक है, पिलो से क्या करना है, पिलो कवर का तो मैंने बाजार से पता किया था, तो मुझे बाजार से ये मिल रहा था सेट, एक छोटी सी गद्दी टाइप की मिल रही थी, और ये सब 5 से 6 हज़ार रुपए में मिल रहा था मुझे, और था भी रजाई छोटी, और ये मैंने बड़ी रजाई बनवाई है ताकि ये 2 साल तो 3 साल तो इस्तेमाल कर सके मजीद। ठीक है, तो अभी इसको टांके लगे हुए, मैं जब टांके खोलूँ फिर इसको नाप के दिखाती हूँ कि कितनी बड़ी है, कॉर्ड से मैंने कितनी बड़ी बनवाई है। ये देखिए जरा, ये कहाँ गई, ये है रजाई पूरी अच्छी बड़ी, इसको भी काटती हूँ, साइड को भी टांका लगा हुआ है। सिर्फ खाला ने ना मेरी टांके लगा लगा के भेजे हैं ताकि ये बैठे नहीं, ये टांके लगे हुए। चल ये देखो, आधी ले लो, ये देखो अच्छी खासी बड़ी रजाई है पूरे कॉर्ड जितनी। बच्चा आराम सुकून से लेके सो सकता है। हल्की की हल्की और लंबी की लंबी है, अगर अगर मुंह तो लंबा करना है लाइक दिस, तो आप यहाँ से इसको फोल्ड भी कर सकते हो, और ये देखिए बहुत अच्छी लग रही है, और ये मुझे सारा कुछ इसमें मुझे मिले 3 से 4 पिलो कवर्स और 2 चादरें और एक रजाई, ये सब मेरी जो है वो तकरीबन तकरीबन 3 हज़ार रुपए में बने, और जो मैं बाहर से सेट खरीदने वाली थी वो तकरीबन 5.5 से 6 हज़ार रुपए में मिली। सो दिस इज वर्थ इट, सिर्फ अपनी मेहनत होती है, तो मेहनत मेरी अम्मी और मेरी खाला ने मिलकर कर दी तो उनका शुक्रिया, और ये मेरे बेटे की रजाई बन गई, और बिस्तर, एक पूरा बिस्तर, एक पूरा कॉट का सेट एक किस्म का रेडी हो चुका है ये। ठीक है, अब लेकिन ये मैं इसको रजाई अभी नहीं खोल के दूंगी, क्योंकि अभी ये सारे घर में ले लेके घूमेगा, और लेके मौसम भी इस तरह का नहीं है कि ये लेनी पड़े, इसकी जरूरत पड़े तो। ठीक है, अगर इसको गर्मी, अब इसमें ठंड वगैरह लगेगी तो इसको तब की तब देखेंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये ठंड लगेगी, ये पोलिस्टर है और बहुत हल्की है, और ये अच्छी खासी गर्म होगी। ठीक है, सो अभी बाकी कमरे का भी सफाई करते हैं, और इसकी चादर इसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये देखो ये अभी से गंदाना शुरू हो गया, गंदा करना शुरू हो गया, मुझे यही डर था कि ऐसे फेंकेगा गिराएगा, तो इसको हमने बस ऐसे रहना, इसको रात को दे देनी और सुबह को इसके ऊपर से उतार देनी, उतार के लपेट के अंदर रख देनी, और तो मैं इसको अलमारी में रखती हूँ लपेट के, और ये तो चादर बिछी रहने देती हूँ, ये वाला सेट उठा देती हूँ, जब इसे रजाई दूंगी तब ये सेट बिछाऊंगी। ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो, आहद आहद रजाई गंदी हो गई, गंदी हो गई, उठो उठो उठो, उठो 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 बेटा, मुंह लग जाएगा, चले मैं इससे रजाई छुड़वाता हूँ। चले जी, फाइनली फाइनली सफाई हो चुकी है, ये देखें, ठीक है, और ये यहाँ पे सो गया, टीवी देखते देखते सो गया। ठीक है, तो इसको खोलने देते हैं, क्योंकि ये से आता है ना तो ये थक जाता है, और इतना थक जाता है कि लाइटों में ही आज सो गया। ठीक है, वहाँ बाजू का ट्यूशन में भी सो जाता है और खेलता है आजकल ना इसने, वो क्या कहते हैं उसे, खरगोश, खरगोश की तरह ऐसे 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 जंप करना सीखा हुआ है, तो कहते हैं टांगों में दर्द होना शुरू हो जाती है फिर बेचारे की, फिर सो जाता है वहीं पे, सो गया अपने टाइगर को पकड़ पकड़ के। ठीक है, सो ब्लॉग वीडियो को यहीं एंड करते हैं, होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द बिलो सेक्शन। दूल्हा घर पे है नहीं, वो गए हुए अपने किसी काम से, अपना माल मूल लेने, तो मैंने सोचा
व्लॉग्स लोग एंड कर दे। और ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाइएगा। एंड यस, मुझे मेरे बेटे को मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना है, अपना अपने ट्रिप रहने वालों का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।